झारखंड में भी कोरोना वायरस लगातार अपने पैर पसार रहा है। शनिवार देर रात धनबाद में एक और कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। मरीज हीरापुर स्थित डीसी कॉलोनी का रहने वाला है और वो रेलवे में ट्रैकमैन है। उसकी ट्रैवल हिस्ट्री बोकारो बताई गई है। दरअसल धनबाद में संक्रमित मिला व्यक्ति 21 मार्च को अपने ससुराल गया था, जहां से वह 27 मार्च को धनबाद लौटा। 13 अप्रैल के बाद उसकी तबीयत खराब हुई। 15 अप्रैल को वह डीआरएम कार्यालय पहुंचा, जहां जांच में शरीर का तापमान अधिक होने पर उसे पीएमसीएच भेज दिया गया। 17 अप्रैल को उसका सैंपल टेस्ट लिया गया। सैंपल लेने के बाद उसे रेलवे स्थित क्वारंटाइन वार्ड भेज दिया गया। फिलहाल कोरोना संक्रमित की पत्नी और पूरा परिवार उसके ससुराल बोकारो में ही है। स्वास्थ्य विभाग ने बोकारो स्थित उसकी ससुराल वालों से संपर्क साधा है। मरीज की पत्नी गर्भवती बताई जा रही है। वहीं नया संक्रमित मिलने के बाद से मरीज के घर के 3 किलोमीटर क्षेत्र को कर्फ्यू लगा दिया गया है। यहाँ आकर के कंटेनमेंट जोन का निर्धारण किया है, जिसमें इस पूरे कॉलोनी कंटेनमेंट जोन के रूप में तब्दील किया गया है। ये रेलवे की कॉलोनी है और इन सबको जो है वो हम लोग कंटेन किए हुए हैं और यहाँ पर कर्फ्यू जो है वो इम्पोज किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट हो रेस्ट्रिक्टेड। कितने किलोमीटर के दायरे में रहेगा ये? बेसिकली हम लोगों ने शहरी क्षेत्र होने के कारण से सिर्फ इस कॉलोनी को ही जो है वो हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन के रूप में रखा है, ताकि हम इसका जो है वो फॉरवर्डली जो है वो सारी चीज़ों को सैनिटाइज एंड सर्वे का काम जो है किया जा सके। अभी अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये कॉलोनी जो है वो कंटेनमेंट जोन के रूप में जो है तब्दील जी। और यहाँ जो है वो मुख्य रूप से जो पूरे क्षेत्र को कंटेन करते हुए उनको सैनिटाइज करने की योजना है। 3 मेंबर की कमेटी जो है वो हर घर जा करके जो है वो सर्वे करने का काम करेगी, ताकि किसी तरह के कोई अगर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के जो अगर मरीज हैं या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए हैं, उनके सैंपल्स की जो है वो जाँच कराई जाएगी। ये कार्य जो है वो जिला प्रशासन जो है वो कर रहा है। साथ ही साथ जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए उनको कोविड हॉस्पिटल। सर तो रेलवे अस्पताल में क्या था सर, वो डीआरएम कार्यालय किन जगहों को सभी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से सभी लोगों को जो भी उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहे हैं सभी को आइसोलेट कर लिया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का डिटेल काम जो है वो 3 मेंबर की कमेटी जो है वो कर रही है। जितने भी ऑफिसर्स और जितने भी ऑफिसर इसमें लो रिस्क और हाई रिस्क वाले हैं, उन सब को हम लोग आइसोलेट करके जांच कराने का काम करेंगे, ताकि इसको हम लोग इसके संक्रमण की चेन खबर ही आ रही है सर। जिस आपको बता दें, इससे पहले 16 अप्रैल को धनबाद के कुमार दुबी से पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला था। धनबाद से न्यूज़ के लिए नीरज कुमार की रिपोर्ट।